आज हम पन्ना सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में अनेक बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उन्होंने विद्रोहियों का एक समूह संगठित किया और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया। एक मुठभेड़ के दौरान वे पकड़ लिए गए। उन पर सरकारी संपत्ति लूटने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। पन्ना सिंह को 1858 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में उन्हें बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मीर बहादुर अली को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, लेकिन आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अन्य लोगों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और दमनकारी कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन पर हमला करने को प्रोत्साहित किया। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1858 को मीर बहादुर अली का निधन हो गया। 14 जून महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बख्श की पुण्यतिथि है। अल्लाह बख्श लाहौर के रहने वाले थे। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिनका हृदय जलियांवाला बाग की नृशंस घटना पर खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने 11 और 12 अप्रैल 1919 को कसूर में पूर्ण हड़ताल में भाग लिया था। अचानक दो अंग्रेज सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चला दी। स्तब्ध और क्रुद्ध लोगों ने दोनों सिपाहियों को मार डाला। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाबख्श 16 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए। वे पंजाब में मार्शल लॉ के दौरान कसूर मामले में आरोपी थे। उन पर कसूर रेलवे स्टेशन पर आगजनी और दो अंग्रेजों की हत्या का आरोप लगाया गया था। मार्शल लॉ कमीशन ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 14 जून 1919 को फांसी दे दी गई।